स्टूडेंट, वेलकम टू एमजीएससी वीडियोस। हम पढ़ रहे थे नेम रिएक्शन की सीरीज, उसमें हमने एल्डोल क्रॉस एल्डोल कर लिया। उससे पहले हमने जो बेसिक होता है वो हमने कवर किया था। आज हम उसी सीरीज में पढ़ने वाले हैं मैनिक रिएक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है फॉर बीएससी एंड एमएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसके लिए भी। दोस्तों, जितनी भी हमारी ये सीरीज चल रही है नेम रिएक्शन की, अगर आपने कंप्लीट देख ली तो आपको कहीं भी कोई भी नेम रिएक्शन जो होती है रटने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कंसेप्ट जान जाएंगे, सभी नेम रिएक्शन जितनी भी हमने पढ़ी है उनका बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो कहीं भी कोई भी नेम रिएक्शन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज आप जितना भी हमारा जो नेम रिएक्शन की जो पर्पज है पूरा करवाने का, या फिर जितना भी हमारा जो नेम रिएक्शन की सीरीज जो चल रही है उसमें आप कंप्लीट देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसके अलावा कौन सा टॉपिक आपको और आवश्यकता है, कौन से करवाना चाहिए, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नेम रिएक्शन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट आए, जैसे कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया, कहीं भी मैकेनिज्म में डाउट आ गया, तो आप हमें उसको फोटो खींचकर व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लिखकर बता सकते हैं कि हमें ये रिएक्शन दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसी सीरीज में मैनिक रिएक्शन की हम बात करते हैं। मैनिक रिएक्शन की बात करने से पहले आपको बता दूं, हमने एनामीन सिंथेसिस पढ़ा था, 2° एमीन और हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन होता है, उससे हमने एनामीन सिंथेसिस पढ़ा था। और उस एनामीन सिंथेसिस में मैंने बताया भी था कि वो एनामीन सिंथेसिस होता है उससे हम एमिनियम आयन बनाते हैं, और उस एमिनियम आयन का यूज हमें मैनिक रिएक्शन में करते हैं। तो देखिए, आज मैनिक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो मैनिक रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, यानी मैनिक रिएक्शन किसे कहा जाता है, क्या होती है, ये हम देखते हैं। तो देखिए, मैनिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास एक कोई भी कीटोन होगा और उस कीटोन की रिएक्शन हम 2° एमीन के साथ करवाने वाले हैं, और प्लस हमारे पास क्या होगा यहाँ पर एल्डिहाइड होगा, और यहाँ पर कोई भी एसिड एज ए कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एमिनो कीटोन जो होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसको हम बोलेंगे मैनिक रिएक्शन। यानी हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, और प्लस 2° एमीन की रिएक्शंस अगर हम करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है एमिनो कीटोन, उसको हम कहते हैं मैनिक रिएक्शन। अब देखिए किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है उसकी हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है उनमें से इस सेकेंडरी एमीन के साथ कौन रिएक्शन पहले करेगा, तो ऑब्वियस जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है वो पहले रिएक्ट करता है और कीटोन जो होता है बाद में रिएक्ट करता है, क्योंकि एमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल की लोन पेयर है नाइट्रोजन। अगर 2° एमीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन यहाँ पे कोई आर ग्रुप रहा होगा और यहाँ पर कोई आर ग्रुप रहा होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहा होगा, तो यह है 2° एमीन। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें से एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, और बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है हम जानते हैं, एल्डिहाइड होता है। हमने जो बेसिक पढ़ा है उसमें मैंने बता रखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो एल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर रखता है, इसलिए पहले ये 2° एमीन इसके साथ रिएक्ट करेगी। अब देखिए इसके साथ रिएक्ट करेगी, इसका मतलब स्टेप नंबर जो फर्स्ट होगा उसमें ये 2° एमीन हमारे पास है, ये एन एच, और यहां पर मान लो क्या है मैंने लगा दिया कोई भी आर ग्रुप और ये आर ग्रुप, ये 2° एमीन। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ है, जैसे हम एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, यानी ये हमने ले लिया एल्डिहाइड, तो जैसे ही एल्डिहाइड के साथ हम करवाते हैं तो मैंने बता रखा है यहां से क्या निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, और यहां से निकलने के बाद हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा आर एन, और यहां पर एन ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से ही अटैच होगा, यहां पर कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। ये सिंपली तरीके से मैंने बना दिया आपको,
कि किस तरीके से हमारे पास सिंप्लीफाइड तरीके से हमने क्या बना लिया, ये एमिनियम आयन बना लिया। ये जो हमारे पास बना है वो क्या बना है, एमिनियम आयन बन गया हमारे पास, ये हमने फॉर्म कर लिया। यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है मेनिंग रिएक्शन का वो एमिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। अब हम सेकेंड स्टेप में हमारे पास बच गया कीटोन, तो स्टेप नंबर टू जो होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे पास कीटोन है, कीटोन हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर सी एच थ्री और यहां पर सी एच थ्री। अब हमारे पास एज एसिड प्रेजेंट है कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट एसिड प्रेजेंट है, इसका मतलब एच प्लस, और जैसे कीटोन के साथ एसिड आता है तो हम जानते हैं कि वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, इनोल का फॉर्मेशन होता है। तो इससे जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या करेगा, वो हमारे पास इनोल फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पर सी एच थ्री। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इनोल बन जाएगा। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया, इनोल का फॉर्मेशन। अब देखिए इस रिएक्शन में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, एमिनियम आयन बना था। सेकेंड स्टेप में क्या बन रहा है, हमारे पास इनोल बन रहा है, यानी इनोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एमिनियम आयन किसकी तरह बिहेव करता है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब एक रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी आ गया और इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट हो गया। ये हमने फॉर्म किया ड्यूरिंग द रिएक्शन, न कि पहले से प्रेजेंट था, पहले से हमारे पास ये गिवन था हमें और ये गिवन था, हमें ये बनाना है। तो हमारे पास ये गिवन है तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, जो स्टेप नंबर थर्ड है उसमें हमारे पास क्या होगा, ये स्टेप नंबर सेकंड, ये इनोल, ये इनोल और ये जो होता है प्लस में एमिनियम आयन, यानी आर यहां पर एन यहां पर आर डबल बॉन्ड सी एच और एच और ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास फॉर्म हो गया। अब देखिए तो ये फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या है, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जैसे यहां पर जाके अटैक करेगा तो ये यहां पर चला जाएगा, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और जैसे न्यूट्रल करेगा तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा ये है, और ये कहां जाएगा, ये लोन पेयर यहां जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एच और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास है उसके बाद है ये कार्बन है, और यहां पर क्या है, ये वन, हम पोजीशन नाम दे देते हैं वन, तो ये वन, ये कार्बन टू, ये कार्बन टू, इसके आगे यहां पर क्या है, ये है नाइट्रोजन, और ये किससे अटैच है, ये डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड अब रहेगा नहीं, तो यहां पर आर और यहां पर क्या आर, क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, हमारे पास ये एच प्लस बार रिमूव हो जाएगा और हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा एन आर टू और यहां पर डबल बॉन्ड। अब देखिए इसके ये बगल में कौन सी पोजीशन है, अल्फा, ये कौन सी है, बीटा, तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, बीटा एमिनो कीटोन, बीटा एमिनो कीटोन, ये एज ए बाहर निकल गया, तो हमारे पास बीटा एमिनो कीटोन जो होता है वो क्या बन गया, फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास होती है रिएक्शन की मैकेनिज्म, किसकी, मैनिक रिएक्शन की। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान इतना रखना है कि जब भी हम मैनिक रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक कीटोन होता है, एक टू डिग्री एमिन होता है, और हमारे पास एल्डिहाइड होता है, और एसिड एज ए कैटलिस्ट की बात यूज करते हैं। अब एसिड पूछ ले क्यों यूज किया जाता है, तो एसिड यूज किया जाता है न्यूक्लियोफाइल को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि यहां पर हम एसिड का यूज कर रहे हैं किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन के लिए। और एल्डिहाइड और ये टू डिग्री एमिन होता है, ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए पहला स्टेप होगा वो होगा एमिनियम आयन का फॉर्मेशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप जो हमारे पास होगा वो होगा इनोल का फॉर्मेशन, और थर्ड स्टेप जो होता है हमारे पास है उसमें एमिनियम आयन और इनोल दोनों आपस में रिएक्शन करके हमारे पास फाइनली बीटा एमिनो कीटोन जो होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हमारे पास लेवल फर्स्ट की बात है कि हमारे पास मैनिक रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, इसकी हमने बात की इंटरमोलिकुलर की। अभी हम सेकंड स्टेप सेकंड बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन, क्योंकि मैनिक रिएक्शन में भी
दो टाइप हो सकते हैं, एक इंटरमोलिकुलर हो सकती है और एक हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हो सकती है। तो उसकी हम और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। देखिए इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन का सबसे पहले तो मतलब देखिए कि क्या होती है इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। सबसे पहले मैनिक रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर होती है, उसका मतलब है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है गिवन इस तरीके से, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास इनोल फॉर्म भी गिवन हो और इसी मॉलिक्यूल में हमारे पास ऐसे हमें मान लो क्या है कि इमीनियम आयन भी गिवन हो, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। यानी उसी मॉलिक्यूल में हमारे पास इनोल भी हो और उसी मॉलिक्यूल में हमारे पास इमीनियम आयन भी हो तो उसको हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। अब यहां से इंट्रामोलिकुलर हम करवा सकते हैं, ये यहां पर गया लोन पेयर और ये मैनिक रिएक्शन, और फाइनली प्रोडक्ट जो होता है वो बीटा एमिनो कीटोन ही बनेगा। ध्यान रखिए चाहे इंट्रामोलिकुलर हो और चाहे वो इंटरमोलिकुलर हो, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो बीटा एमिनो कीटोन ही फॉर्मेशन होगा। यानी वो साइक्लिक हो सकता है, वो असाइक्लिक हो सकता है। इंट्रामोलिकुलर अगर हम करवा रहे हैं तो मतलब साइक्लिक बनेगा, और अगर इंटर करवा रहे हैं तो असाइक्लिक फॉर्मेशन होगा। देखिए इसी तरीके से हमारे पास अगर हम अदर एग्जाम्पल लें तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमें पहले से कोई रिएक्शन में गिवन हो बना हुआ फॉर्म, यानी इमीनियम आयन और ये इस तरीके से गिवन हो सकता है हमारे पास ये पहले सीधा गिवन न होकर हमें रिएक्शन पहले एल्डिहाइड और कीटोन दे दें, हमें पहले इमीनियम आयन फॉर्मेशन करना हो, इनोल का फॉर्मेशन करना पड़े, तो उस तरीके से भी आ सकता है। तो देखिए कैसे आ सकता है वो हम देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, यानी ये कीटोन हो गया और ये हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास कीटोन हो गया, सॉरी ये एल्डिहाइड है और ये हमारे पास क्या है कीटोन, और यहां हमें दे दे 2° एमीन, यानी हमें NH और यहां पर R और ये R दे दे और यहां पर H+ दे दे। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब इमीनियम आयन फॉर्मेशन करना है और इनोल का फॉर्मेशन करना है, और हमें एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो एक ही मॉलिक्यूल में गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। तो यहाँ सबसे पहले तो इसके साथ ये रिएक्शन करेगा और इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इमीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इमीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एन और ये आर और ये यहाँ पर हमारे पास आर और ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एच, ये इमीनियम आयन बन गया और यहाँ पर हमारे पास क्या है कीटोन है। अब सेकेंड स्टेप में आप जानती हैं यहाँ पर H+ अगर गिवन है इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा इनोल बनेगा, और इनोल बनने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन हो जाएगी और इनोल फॉर्मेशन हो जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से इनोल फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये इनोल फॉर्मेशन जैसे होगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इमीनियम आयन, यहाँ पर आर लगा हुआ है, यहाँ पर आर ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां से अब क्या हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन, और यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक 6-मेंबर साइक्लिक रिंग होगी। 6-मेंबर क्या होगी, साइक्लिक रिंग होगी, यहां पर कीटोन होगा और इसके अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या होगा, अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या होगा एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा एमिनो कीटोन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से हमारे पास क्या करवा सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हमें चाहे इंटरमोलिकुलर हो, हमें इंट्रामोलिकुलर गिवन हो, हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि उस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड हो, एक कीटोन हो और एक 2° एमीन अगर गिवन है, दैट मींस वहां पे क्या है मैनिक रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से हम करवा सकते हैं। चलिए अब अगर हमें और आगे फर्दर स्टेप पूछ सकता है, आई एम श्योर कि बीएससी तक तो हमारे पास क्या आता है इतना ही आता है, लेकिन एमएससी में अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन वगैरह अगर रिएक्शन कंप्लीट करनी पूछता है तो आगे और दे सकता है। बाकी
जैसे हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे एमजीएससी हो गई, जैसे आरयू हो गई, तो इनमें तो हमारे पास सीधी सीधी रिएक्शन ही आती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो सीधे नहीं पूछ करें, हमारे पास प्रोडक्ट पूछती है, जैसे ए पूछ लिया फिर बी पूछ लेती है फर्दर। तो इस तरीके से कुछ और हम प्रॉब्लम देखते हैं इस पर, यानी मैनिक रिएक्शन पर बेस्ड जो होती है, कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं किस तरीके से हमें दे सकते हैं और कैसे कैसे हमें सवाल जो होते हैं मैक्सिमम करने चाहिए। मैक्सिमम अगर जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक उतनी ज्यादा हमारी अच्छी होगी, अगर हम ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनिक वीक रहेगी, क्योंकि हमारा रीजन होता है कि हमें ऑर्गेनिक समझ नहीं आती। हम बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनिक समझ नहीं आती, उसका एक ही रीजन होता है कि वो प्रैक्टिस जो होते हैं बहुत कम करते हैं। अगर प्रैक्टिस की जाए ऑर्गेनिक में अच्छे से प्रैक्टिस की जाए विद कंसेप्चुअल, तो ऑर्गेनिक बहुत इजी सब्जेक्ट है, इससे इजी सब्जेक्ट ही नहीं है कोई, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक में आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यानी एक नई रिएक्शन आ गई उस पर कितने लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से लेवल आपको पहचानने आने चाहिए। ये इस रिएक्शन का है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है। जैसे पहले मैनिक रिएक्शन आ गई, तो मैनिक रिएक्शन में पहले हम सोचेंगे इंट्रामोलिकुलर हो सकती है, देन हम इंट्रामोलिकुलर की सोचेंगे, और इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर सोचने के बाद हमें कोई अलग से गिवन हो तो वो हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसे दे दे, हमें कोई भी एग्जाम्पल दे दे इस तरीके से, और हमें यहां पर रिएक्शन देकर यहां पर हमें लिख दे HCHO, यहां पर हमें लिख दे NHR2, और यहां पर हमें लिख दे क्या H+ एज ए कैटलिस्ट, H+ कैटलिस्ट। ये हमें अगर गिवन हो तो हमें यहां पर प्रोडक्ट पूछेगा ए बताइए, ए बताइए, और यहां से ये तो बात रही किसकी, मैनिक रिएक्शन की, और यहां से हमें दूसरा जो पूछेगा यहां पर बी, वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा CH3I दे देगा यहां पर, और यहां पर हमें कोई भी बेस दे देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaHCO3 दे दिया, एक वीक बेस दे देगा कोई भी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वगैरह, ये इस तरीके से हमारे पास कोई भी वीक बेस दे देगा और बी पूछ लेगा। तो देखिए यहां तक तो हमें समझ आती है कि जैसे ये कीटोन दिया है तो यानी बीटा एमिनो कीटोन बनाना है, ये देखते ही हमें पहचान आनी चाहिए कि हमें एल्डिहाइड दिया है, कीटोन गिवन है, सेकेंडरी अमीन गिवन है, H+ एज ए कैटलिस्ट हमें गिवन है, इसका मतलब हमें मैनिक रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब अगर मैनिक रिएक्शन करवानी है तो पहले कौन सी करवानी है, इंटर करवाएंगे, इंट्रा दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब हम कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, या इंटर मॉलिकुलर मैनिक रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे ही हम मैनिक रिएक्शन करवाएंगे तो हम ए तक पहुंच जाएंगे, ए तक पहुंचने का मतलब ये हो गया कि हम बीटा एमिनो कीटोन हमने बना लिया, ये हमारे पास है, और ये इस तरीके से हमने बीटा एमिनो कीटोन हमने बना लिया। अब हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, एल्काइलेशन होगा, एल्काइलेशन किसका होगा, यहां से ये है तो ये एल्काइलेशन हो जाएगा, और जैसे ही एल्काइलेशन होगा तो हमारे पास टर्शरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा, बीटा एमिनो कीटो फॉर्म जो है उसका टर्शरी, ये टर्शरी सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर आर, और ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। अब देखिए हमारे पास बेस क्या करेगा, ये जैसे ही बना तो ये हाइड्रोजन और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन एक्टिव होते ही यहां पर ये बेस हमें गिवन है, हमें कोई भी ये बेस ऊपर गिवन है वैसे कोई, तो क्या, तो ये बेस क्या करेगा, इस H+ को खींच लेगा, और जैसे H+ को खींचेगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस यहां पर जो अमोनियम साल्ट है इसके यहां पर नेगेटिव चार्ज, और जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, अच्छा लिविंग ग्रुप है ये, तो ये बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर निकलते ही -NR3 बाहर निकल जाएगा, और यहां पर हमारे पास बनेगा अल्फा बीटा एन सेचुरेटेड कीटोन, जिसको हम मैनिक एक्सेप्टर कहते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास एल्कीन बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें मैनिक रिएक्शन के थ्रू हमें अल्फा बीटा एन सेचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन पूछ सकता है। पहले हम क्या करवाते हैं, मैनिक रिएक्शन, फिर बाद में क्या है, फॉलोड बाय एल्काइलेशन, हमने क्या फॉर्मेशन कर लिया, हमने अल्फा बीटा एन सेचुरेटेड है ये जो है
कीटोन फॉर्मेशन कर लिया, और इसी को हम बोलते हैं मैनिक एक्सेप्टर भी कहते हैं। ये जो हमने बनाया है इसको हम मैनिक एक्सेप्टर कहते हैं, मैनिक एक्सेप्टर भी कहते हैं। आगे हम इसका यूज पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास रहे मैनिक रिएक्शन के स्टेप, कि किस तरीके से हम मैनिक रिएक्शन करवा सकते हैं। तो एमएससी लेवल पे इतने ही लेवल के क्वेश्चन दे सकते हैं, यानी फर्स्ट लेवल आपको वो ध्यान रखना है कि इंटरमोलिकुलर होती है, सेकंड लेवल आपको ध्यान रखना है इंट्रामोलिकुलर होती है, थर्ड लेवल आपको एल्काइलेशन करवा के बेस दे सकते हैं, इससे आगे बहुत कम चांस होते हैं। अब फोर्थ लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे पास जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर मैनिक रिएक्शन का यूज, यानी हेट्रोसाइक्लिक कोई भी कंपाउंड गिवन हो तो उसमें हमें मैनिक रिएक्शन अल्फा पोजीशन पे बीटा पोजीशन पे हमें क्या करवाना हो, कोई भी एमिनो ग्रुप जोड़ना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, मैनिक रिएक्शन का। वो कैसे करते हैं वो हमें पता चल जाए किस तरीके से हम करते हैं, देखिए वो और देख लेते हैं हम। इसलिए प्रॉब्लम जितनी ज्यादा करेंगे, क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे ऑर्गेनिक उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी आपकी। तो बी अवेयर, आपको ऑर्गेनिक से डरना नहीं है, आपको डटे रहना है, ऑर्गेनिक सीखनी है तो, अगर नहीं सीखनी फिर एज यू विश। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप ऑर्गेनिक सीखिए, ऑर्गेनिक सीख गए एक बार तो फिर इसमें कंसेप्ट है, और कंसेप्ट अगर आप सीख गए तो कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए हमें सीखना है, रटना नहीं है, जितनी भी नेम रिएक्शन होती है सबको हमें सीखना है वन बाई वन करके, रटनी नहीं है एक भी। देखिए हमें क्या देते हैं इस तरीके से पायरोल गिवन, यानी क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकता है, और यहां पर हमें एच सी एच ओ गिवन हो और एन एच आर टू गिवन हो एच प्लस, क्लियर। अब देखिए हमें इस तरीके से जब भी गिवन होता है तो हमारे पास क्या है, ये गिवन है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, एल्युमिनियम आयन बनाएगा, और एल्युमिनियम आयन बनाते ही आप समझ जाएंगे कि यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम आयन बन जाएगा Nr2 पॉजिटिव। जैसे एल्युमिनियम आयन बनेगा तो ये एक सिक्स मेंबर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी जिसमें हक्कल रूल फॉलो होता है फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम कहते हैं वो यौगिक जो होते हैं कंपाउंड जो होते हैं वो कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और पायरोल जो होता है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बिकॉज ऑफ इसमें क्या है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी फोर एन प्लस टू पाई एन की वैल्यू अगर हम वन रखते हैं तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास ये एक क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे देगा तो यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन बोल दूं मैं इसके लिए बीटा पोजीशन, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अल्फा पे जुड़ेगा कि बीटा पे जुड़ेगा हमें वो देखना होता है। तो हमारे पास इसमें मैं बता देता हूँ ये जुड़ता है, ये यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अल्फा पोजीशन पे जुड़ता है, यानी यहाँ पायरोल के अल्फा पोजीशन जो होती है, यानी ये जो पोजीशन होती है अल्फा, इसके ऊपर क्या जुड़ता है, ये जुड़ता है। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाना है। अगर दोस्तों थैंक यू, अगर दोस्तों ये पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।